हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा। आई एम डॉक्टर नीलम पांडे। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड यूनिट एंड द टॉपिक इज द यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन फाउंडेड इन 1945 आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई 1945 में, क्योंकि पूरे विश्व में इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न ना हो और ये एक विश्व युद्ध की संभावना को रोकने के लिए ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज साइंड इन सैन फ्रांसिस्को on June 26, 1945 and came into existence on October 24, 1945 after 50 countries have signed the charter. Students, 26 June 1945 को United Nation Charter तैयार की गई, लेकिन ये अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को, और शुरुआत में 50 कंट्रीज ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। द नेम यूनाइटेड नेशन को ये नाम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना से पहले लीग ऑफ नेशंस काम करती थी, यानी लीग ऑफ नेशंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पहले थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी थी। चूँकि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, जिसका नतीजा सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में सामने आया, तो इसलिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई जो इस तरह की समस्याओं से या इस तरह के सिचुएशन से निपट सके कि विश्व में कभी दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, यानी वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस वजह से यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई, और जिस कमियों की वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, उन कमियों को भी ध्यान रखा गया और यूनाइटेड नेशन में उसे भी शामिल किया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव एंड मिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज प्रिवेंट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करना, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस, राष्ट्रों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, अपहोल्डिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्रोमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज इन न्यूयॉर्क, USA। ऑफिशियल लैंग्वेज आर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशिया। टोटल नंबर इन यूनाइटेड नेशन आर 193। लेटेस्ट मेंबर इज रिपब्लिकन ऑफ साउथ सूडान। स्टूडेंट्स, टोटल नंबर यूनाइटेड नेशन का 193 है, और सबसे अंत में 2011 में शामिल होने वाला सदस्य है रिपब्लिकन ऑफ साउथ सूडान। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन आल्सो हैव अ सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल इज बेसिकली अपॉइंटेड फॉर अ 5 years टर्म। सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति 5 सालों के लिए होती है। एंटोनियो गुटेरेस, फॉर्मर PM ऑफ पुर्तगाल। स्टूडेंट्स, पुर्तगाल के जो फॉर्मर PM हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनकी अपॉइंटमेंट जनवरी 2017 में हुई थी, यानी
अभी ये 2017 से लेकर अगर हम देखें तो इनका कार्यकाल पुर्तगाल के जो फॉर्मर पीएम हैं 2022 तक जाता है। यानी अभी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूनाइटेड नेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेन ऑर्गन्स एस्टैब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है वो तीन भागों में बटा हुआ है, और पहला भाग जो है मेन ऑर्गन्स एस्टैब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी इसका पहला भाग मेन ऑर्गन्स यानी जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वो सिस्टम है जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 57 ऑफ द चार्टर, ये वे एजेंसीज होती हैं जिसके रूल एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, इनकी मेंबरशिप का तरीका अलग होता है, बट दे आर स्टिल रिकॉग्नाइज यूनाइटेड नेशन अंडर वेरियस एग्रीमेंट एंड अंडर आर्टिकल 57 द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर इस्टेब्लिश बट देयर रूल एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट। फंड्स एंड प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश्ड बाई जेनरेशन असेंबली अंडर इट्स अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 22 ऑफ द चार्टर। स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will study the organs of United Nations.